भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आने जा रही है और सरकार बनने से पहले थोड़ी देर बाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की यहाँ पे बैठक होगी और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मेरे साथ है एकता जी अग्रवाल। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप सरकार बनाने जा रहे हो राजस्थान के अंदर। जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। किस मुद्दे पे लेके आपकी सरकार आई और राजस्थान में गहलोत जी के हमने इतने सारे विकास की सरकार नहीं ला पाई, वजह क्या थी? देखिए गहलोत सरकार जो थी कांग्रेस सरकार वो झूठ और लूट की सरकार थी। जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान में पाँच साल का जो कार्यकाल दिया, जो लूट और झूठ की सरकार और झूठे वादे करके वो राजस्थान में आए थे, उसकी पोल राजस्थान की तमाम जनता के साथ खुल चुकी थी। उन्होंने 56 महीने तक राज किया लेकिन लास्ट के 4 महीनों में उन्होंने योजनाओं का पिटारा खोल दिया, लेकिन उनकी शुरुआत करना तो दूर, वो धरातल पर कहीं हमें दिखाई भी नहीं दी। और जिस प्रकार से तमाम मातृशक्ति राजस्थान में अत्याचार और की बलि चढ़ी रही, जिस प्रकार के दुष्कर्म और अत्याचार की घटनाएं यहाँ पर हुई, तो महिलाओं में एक आक्रोश था। जिस प्रकार से युवा जो है वो पेपर लीक के मामले में प्रताड़ित रहा, 19 पेपर लीक हुए, 70 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, और जिस प्रकार से किसानों से झूठे वादे कर करके ये कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन किसान पुत्र धरती पुत्र के आंखों में इन्होंने आंसू देने का काम किया। 19,500 इनकी जमीनें नीलाम हुई, 50 किसानों ने आत्महत्या की, तो एक तमाम जो भय भ्रष्टाचार का अड्डा था, इनके तमाम जो मंत्री थे अधिकारी थे वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट की जिस प्रकार की गुटबाजी चलती रही जिससे जनता त्रस्त रही, वो तमाम जनता ने देखा। तो आज 25 तारीख को तमाम राजस्थान की जनता ने मतपेटियों में अपना डिसीजन दिया, जिसका रिजल्ट आज हमको देखना दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ गई है। सफलता का श्रेय किसे दोगे? सफलता का श्रेय भारतीय जनता पार्टी, भाई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, व्यक्ति और कार्यकर्ता स्वयं अंतिम, के साथ साथ ये विचारधारा कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उस पर सबसे ज़्यादा लाभ कैसे पहुँचे, उसके अंतर्गत जो हमारी रणनीति रहती है उसको श्रेय जाने वाला है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और विचारधारा को श्रेय जाना जा रहा है कि 3 प्रदेशों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप पार्टी के प्रवक्ता थे, कितनी मेहनत कितनी करनी, प्रयास कितना करना पड़ा जब जाके आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता एक नेता होता है और एक नेता कार्यकर्ता होता है, ये किसी से छपा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक परिवार के रूप में कार्य करते आई है। और जो भारतीय जनता पार्टी आज देखिए देश के कितने प्रदेशों में काबिज है, सत्ता में आई हुई है जनता के आशीर्वाद से, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो ये कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम श्रद्धा का ही परिणाम है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आज राजस्थान की जो किला है उसको भी फतेह करने वाले हैं। जनता को, राजस्थान की जनता कुछ कहना चाहोगे? राजस्थान को की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने जो हमें समर्थन दिया, बहुमत दिया, और आज आपने ये दिखा दिया कि बुराई का अंत होता है। कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से लूट और खसोट की भ्रष्टाचार भय भ्रष्टाचार आतंक का अड्डा जो बना के रखा, आपने आज उसका बदला ले लिया है, और आज आपके बदौलत ही, आपके आशीर्वाद के बदौलत ही राजस्थान में पुनः राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। एक सवाल पूछ लेते, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की ओर से? जी पहले भी हम कह चुके हैं, वैसे तो हर पार्टी की अलग अलग रणनीति है, आपकी बार हमारी रणनीति रही कि कमल का जो फूल है वो ही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और मैं आपको कहना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले रिपीट किया कि हर कार्यकर्ता नेता होता है, हर नेता कार्यकर्ता रहता है होता है, तो हमने जो कमल का फूल को आगे रख के हमारी विचारधारा, हमारी योजनाओं को, प्रधानमंत्री जी के 9.5 साल के कार्यकाल को और पूर्ववर्ती जो हमारी सरकार रही थी उसके कार्यकाल को रख करके जनता के बीच में गए और जनता ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया। और जो हमारा विधायक जल्द जीत के आएगा उसके राय और सहमति के बाद जो हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड है वो जो डिसीजन लेगा वही व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। थैंक यू। थे मेरे साथ एकता जी अग्रवाल, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपनी बात के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जश्न मनाया जा रहा है भाजपा के कार्यालय में, जहाँ पे कई पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे खुशी से बेहद खुश नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखोगे इस वीडियो के